स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मैकबुक में जो एप्लीकेशंस है उनको परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम उनको डिलीट तो कर देते हैं लेकिन फिर भी वो हमें दिखाता रहता है, उसकी फाइल्स वगैरह जो हमें दिखाती रहती है, तो हम उसको परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि ऐसी टेक रिलेटेड वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, एप्लीकेशन डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ से डायरेक्टली करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इसको डिलीट करना है, स्ट्रीम लैब्स को, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये नहीं जा रहा है बीन में। आप देख सकते हैं मैं डिलीट करने का ट्राई करता हूँ लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना फाइंडर ओपन करना है। फाइंडर ओपन करने के बाद हमें एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस, यहाँ हम देख सकते हैं ये रहा जो हमारा स्ट्रीम लैब्स। यहाँ से आपको इसको डिलीट नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको जो ऊपर सर्च का बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइम टाइप करना है इसका नाम, स्ट्रीम लैब्स। जैसे ये मैंने टाइप किया और आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, प्लस के साइन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नेम पे क्लिक करना है। नेम पे क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम फाइल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आया होगा, आरंट इंक्लूडेड। तो इसमें क्या करना है, हमको आर इंक्लूडेड करना है। आर इंक्लूडेड करेंगे तो इससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इनको सेलेक्ट कर लेना है सबको। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ से भी आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं और यहाँ आप जो है बिन में ले जाके भी इनको डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इनको ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा टोटली जो है वो डिलीट हो चुका है स्ट्रीम लैब्स। तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हमारा टोटली जो स्ट्रीम लैब्स है वो डिलीट हो गया है। तो आप ऐसे डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर सकें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।